सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस 2023 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सर्टन पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस के अंदर। अगर कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को जो है डिप्लोमा के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये क्या क्या पॉइंट्स हैं ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना होगा सो देट हर एक पॉइंट को आप समझ सको और क्रॉस चेक करते जाओ क्या आप इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हो या नहीं करते हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला मेजर पॉइंट वो है डॉक्यूमेंट्स। तो कई स्टूडेंट जो है कास्ट कैटेगरी में आ रहे होते हैं और उनके पास जो है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो जस्ट लाइक अगर आप कास्ट में आते हो तो जो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास बने हुए नहीं हैं तो आप इनकी रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल एडमिशन ले रहे होगे तो उस वक्त आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास उस वक्त नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा ऑप्शन फॉर्म में अगर आप गलत कॉलेजेस के नाम डालोगे। यहाँ पर गलत कॉलेजेस का कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपके एग्रीगेट परसेंटेज जो है 75 है और मान लो कि आप ऐसे कॉलेजेस के नाम डाल रहे हो जिनका कट ऑफ जो है 95% है, 97% है और फिर आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ ऐसे ही कॉलेजेस के नाम डाल रहे हो तो आपको कोई भी कॉलेज अलोकेट नहीं होगा, वहाँ पर आपको जो है एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल जो है आपसे ऐसी गलती ना हो कि आप गलत कॉलेजेस के नाम ना डालो, आपको सही कॉलेजेस पता चलें कि हाँ भाई मेरी इतने परसेंटेज हैं तो मुझे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है ये हम आपको करके दे रहे होते हैं, आपके लिए जो हम ये पूरा एनालिसिस कर रहे होंगे, आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेजेस सजेस्ट करेंगे कि ये वाले कॉलेजेस आपके लिए सबसे आइडियल है। तो उसके लिए जो है आप हमारा जो बेसिक प्लान है जिसमें वो कॉलेज रिकॉर्ड लिस्ट दे रहे होते हैं, आप वो परचेज कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो। अगर आपको मुझसे लाइव 1-to-1 बात करनी है, कंसल्टेंसी आप हमारी ले सकते हो जिसमें आपको 1-to-1 पूरा जो है गाइड कर रहा हूँ, जब तक आपका एडमिशन हो जाए तब तक मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो हम फिल करें तो हमारी जो टीम है वो आपका लाइव ऑप्शन फॉर्म फिल कर रही होगी, उसके लिए आप हमारा एडवांस प्लान बाय कर सकते हो। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके आपकी सीट बुक कर सकते हो। आपको जो है थ्रू आउट डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस इतनी सी भी जो है आपको ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज अब तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट हो, यानी कि OMS कैटेगरी या कह सकते ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि आपका जो बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र नहीं है, आप अदर देन महाराष्ट्र के बाहर आपने आपका 10th किया है और आपकी बर्थ प्लेस भी जो है जस्ट मान लो राजस्थान गुजरात है, तो उस केस में भी आपको एडमिशन मिलना बहुत टफ है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले हाई प्रायोरिटी होम यूनिवर्सिटी के बच्चों को दी जाती है और उसके बाद जो है ऑल इंडिया कैटेगरी के बच्चों को दी जाती है। तो अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी में आते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, सबसे पहले आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो यानी कि आपको जो है डोनेशन देना होगा और फिर जो है आपको उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, और दूसरा वह है वो है कैप के थ्रू, लेकिन वहां पर आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट में आते हो या ऑल इंडिया कैटेगरी में आते हो। अब चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये है कि कई बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, वो ये है कि वो टाइम से जो है अपना ऑप्शन फॉर्म नहीं फिल करते हैं, ना ही वो अपने टाइम से रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई ये एक्सटेंड हो जाएगा या मैं अपने फ्रेंड के साथ भरूंगा, जो मेरा फ्रेंड भरेगा वही मैं भी भरूंगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं तो बाद में उनको एंड में ये पता चलता है कि उनको कोई कॉलेज अलोकेट नहीं होता है या डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, तो वो जो है रह जाते हैं और कैप राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी ये नहीं सोचना है, जो स्पेसिफाइड डेट है उसके अंदर आपको जो है आपका ऑप्शन फॉर्म भी फिल करना है। ऑप्शन फॉर्म फिल होने के बाद जो रिजल्ट लगता है जिसमें आपको कोई कॉलेज अलोकेट हुई है तो जो स्पेसिफिक टाइम है उसी के अंदर जाके आपको उस कॉलेज में एडमिशन भी लेना है। ये नहीं सोचते बैठना है कि भाई डेट एक्सटेंड हो जाएगी, मेरा दोस्त भरेगा तो मैं भरूंगा, ये सारी जो थिंग्स हैं ये आपको नहीं करनी है। और कॉलेजेस के नाम आप आपके फ्रेंड जो डाल रहे हैं वो मत डालना, कॉलेजेस के नाम आप आपका प्रॉपर आपके एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर एनालिसिस करके वही नाम डालो,
क्योंकि कैप राउंड वन में ही सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, फिर कैप राउंड टू और कैप राउंड थ्री में सीट्स बहुत कम हो जाती हैं, और फिर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो गाइस ये थे कुछ तीन चार रीज़न जिसके वजह से स्टूडेंट्स के एडमिशन रह जाते हैं, वो जो है अप टू डेट नहीं रहते, ये भी एक मेजर रीज़न है। तो आप अप टू डेट रहो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए आपको बस टू टू डे को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, सो देट आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो गाइस थैंक वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।